हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑयल इंडिया लिमिटेड की ओर से निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ऑयल इंडिया लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइजेज, इसके द्वारा एसोसिएट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिशियन और अदर पदों के लिए रिक्रूटमेंट का एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। हालांकि जो वैकेंसी निकाली गई है वो यहाँ पे फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस निकाली गई, शॉर्ट टर्म के लिए वैकेंसी है निकाली गई, जिसमें कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले अपन चलते हैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। दोस्तों टेक्निकल सरकारी जॉब से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन पर क्लिक करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और वो ऑन कर लें। इसका लिंक आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों ये नोटिफिकेशन आप देख रहे हो ऑयल इंडिया लिमिटेड की ओर से जारी किया गया एंगेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। ये भर्ती तो पूर्ण रूप से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती निकाली गई। जो कैंडिडेट इस हिसाब से इस जॉब को करना चाहे कि हमें वर्क एक्सपीरियंस गेन करना है, तो वही कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकता है, क्योंकि वैकेंसी जो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए यहाँ पे निकाली गई है। आपको इसमें सैलरी के साथ साथ अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकता है, ताकि वो और भी कहीं काम आए। वैकेंसीज क्या क्या निकाली गई, तो इलेक्ट्रिशियन की 18 वैकेंसी निकाली गई है। कैंडिडेट 10th पास आउट होने के साथ साथ दो साल की ITI पास आउट होनी जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट के पास एक साल का एक्सपीरियंस है, अप्रेंटिसशिप है, तो भी यहाँ पे उसको कैंडिडेट को प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। मिनिमम एज 20 वर्ष, मैक्सिमम एज 35 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। कैंडिडेट को 16,640 रुपये पर मंथ है वो कैंडिडेट को स्टाइपेंड है वो यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद अगली जो वैकेंसीज है वो मैकेनिक एसी एंड रेफ्रिजरेशन की 2 वैकेंसी, इसमें भी 10th प्लस ITI पास आउट होना जरूरी है। एज लिमिट 20 से 35 वर्ष है। सैलरी वही 16,640 रुपये फिक्स दी जाएगी। फिर एसोसिएट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 20 वैकेंसी निकाली गई। कैंडिडेट के पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट की एज वो 20 से 35 वर्ष, इनको 19,500 रुपये यहाँ पे पर मंथ वो पेड किए जाएंगे। तो ये तो हो गई सैलरी की यहाँ पे बात। अब यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड की बात करें तो यहाँ पे शुरुआती तौर पे कैंडिडेट को सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए ही यहाँ पे भर्ती किया जाएगा। उसके बाद यदि जरूरत रही तो 6 महीने के लिए आगे स्कोर एक्सटेंड है वो किया जा सकता है, यानी कैंडिडेट उसको यहाँ पे मैक्सिमम 12 महीने के लिए रखा जाएगा। तो शॉर्ट टर्म ये वैकेंसीज है निकाली गई। जो कैंडिडेट बेरोजगार है, जिन कैंडिडेट के पास में अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो कैंडिडेट इसके लिए सुटेबल ज्यादा रहेंगे। अब वो इनका वॉक इन इंटरव्यू कब कब रहेगा, तो वॉक इन इंटरव्यू का शेड्यूल आप देख सकते हो। इलेक्ट्रीशियन का 21/10/2024 को 7 बजे से 9 बजे के बीच में पे रहने वाला है, और जो प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट है, वो जो पर्सनल असेसमेंट है, वो भी इसी डेट को लिया जाएगा। इसी के साथ रजिस्ट्रेशन भी है वो इसी डेट को आपका 7 बजे से 9 बजे के बीच में किया जाएगा। मैकेनिक एसी एंड रेफ्रिजरेशन का इंटरव्यू 23/10/2024 को रखा जाएगा। एसोसिएट इंजीनियर का 25/10/2024 को रखा जाएगा। टाइमिंग सेम है। कैंडिडेट के लिए वेन्यू क्या रहेगी, एम्प्लॉइज वेलफेयर ऑफिस नेहरू मैदान और ऑयल यहाँ पे जो दुलियाजन है वहाँ पे कैंडिडेट का इंटरव्यू है वो यहाँ पे लिया जाएगा। कैंडिडेट को अपना जो बायोडाटा है उसके साथ साथ यहाँ पे कैंडिडेट को क्या क्या फोटोग्राफ्स है वो लेके जाना जरूरी है, तो वो भी यहाँ पे दे रखा है। इसमें एक पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ है, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास होने जरूरी है। इसके साथ ही जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ पे साथ लेके जाने जरूरी है। तो वॉक इन इंटरव्यू में आप यहाँ पे पार्टिसिपेट है वो कर सकते हैं। जो मेन्यू आपने मैंने आपको बताई है उसके ऊपर जाके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके सारी डिटेल्स वो आप इसको अच्छी तरीके से चेक कर लो। यदि आप सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हो तो उसके बाद में ही आप एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ से ले जा सकते हो। यहाँ पे सारी जानकारी आपको दे रखी है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।